में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बेटा, आफ्टर ट्वेल्थ हम क्या करें। कुछ लोगों के सामने ऑप्शन होता है कि भैया ग्रेजुएशन कर लो, पर आफ्टर ग्रेजुएशन भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या करें। फाइनली हर किसी का एक ही टारगेट होना चाहिए, वो होना चाहिए कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूं, यानी कैसे जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं या खड़ी हो जाऊं। इसका तरीका एक ही है, वैसे तो कई तरीके हैं, पर आपके सामने ऑप्शंस आपके परिवार के पीछे के बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है। परिमल सर ने भी आपको बताया होगा, पहला ऑप्शन है बेटा अगर तुम अच्छे परिवार से हो तो बिजनेस में पैसा लगा सकते हो, पर दिक्कत यह है कि आम परिवार के पास इतना पैसा नहीं होता। इंडिया में कहाँ इतना पैसा है कि नॉर्मल कोई भी बिजनेस कर लेगा। बिजनेस का मतलब है आपके पास पीछे बैकग्राउंड इतना है कि अगर पैसा डूब भी जाए तो आपको फर्क ना पड़े, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है हम कोई प्राइवेट जॉब कर लें, ये लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए। जब कुछ भी ना मिले तो चलो ठीक है इस तरफ चले गए, लेकिन जब तक कोशिश करें कि अच्छी चीज़ मिल जाए तो इस तरफ जाने की उम्मीद एक सेकंड उसमें रखें। थर्ड सबसे बढ़िया जो चीज़ है, जो मेरा ख्याल है पर्सनल, गवर्नमेंट जॉब, ये बेस्ट है बेटा। ये नॉर्मल परिवार की बात कर रही हूँ, बहुत रिच है तो उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी चाहिए। यहाँ आप 50,000 एवरेज ले लेते हैं, क्योंकि इसमें 40,000 की नौकरी भी है, 35 की भी है, 70 की भी है, 80 की भी है। 50,000 एवरेज की बात करते हैं, इतने तक आप आराम से कमा सकते हैं, पर मेहनत करनी पड़ेगी। बिजनेस में आप करोड़ों रुपए छाप सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर बैकग्राउंड, पीछे पैसा, आपकी समझ, आपका सर्कल होना चाहिए। कहना बहुत आसान होता है बिजनेस कर लो, लेकिन बिजनेस करना कहना, मेरे मुंह से तो एक बार निकला बिजनेस कर लो, कहाँ से पैसा लाओगे, क्या तुम्हें उस बारे में नॉलेज है, तुम्हारे घर में इस तरह के साधन हैं, कैसे तुम मैनेज करोगे, तो ये बहुत सोचने समझने की बात है बेटा। सबसे आसान चीज़ ये है, लेकिन आसान का मतलब ये नहीं कि आसानी से मिलेगी, इसमें सिर्फ तुम्हारी पर्सनल ताकत लगेगी, मेहनत, थोड़ा सा पैसा अपनी फी के फॉर्म में, थोड़ा आने जाने का खर्चा, लेकिन ज़्यादा मेहनत, ये सबसे पहली प्रायोरिटी किसी एवरेज मिडिल क्लास बच्चे को रखनी चाहिए। बाकी सबका अपना नज़रिया है ज़िंदगी को लेकर, जो जो चाहे वो करे। मेरा ऐसा मानना है इसमें मेहनत करके पैसा कमा के फिर अपने सपने पूरे किए जा सकते हैं। जैसे आफ्टर ट्वेल्थ अगर कोई बच्चा 2-2.5 साल मेहनत करके इंडिपेंडेंट बन जाता है 20 साल पकड़ते पकड़ते एज के, तो वो आगे जाके 5-10 साल अच्छा अपना कमा कमू के फिर अपने पैसे को जहाँ चाहे इन्वेस्ट कर दे, फिर कर ले कोई भी बिजनेस। अपने माता पिता के भाई बहुत गाढ़ी कमाई, जो बहुत मेहनत से कमाई जाती है, उसको खराब करने से बेहतर अपने 8-10 साल रुपए जोड़ लेना, फिर उसको जहां चाहो लगा लेना। और तुम फ्लॉप हो भी जाओ तो चिंता नहीं, क्योंकि पीछे से तुम्हारे पास सरकारी नौकरी अगर है तो आगे चलती रहेगी। कई लोगों को शौक होता है ना बिजनेस करने का, कर ले, लेकिन अपना पैसा कमा के बेटा, किसी और का पैसा मत उड़ा देना कहीं अपने पिताजी की गाढ़ी कमाई को तुम खर्च करके बैठ जाओ बिजनेस फ्लॉप करके। पहली प्रायोरिटी पर रखना गवर्नमेंट जॉब। इसको पाने का एक तरीका है, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत दमदार करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से नहीं मिलती, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पर मिल सकती है।